Hello everyone, so we are solving exercise 8.3. Today we are going to solve question number 7 to the last. It means question number 11. So, question number 7 is If 3 women or 5 girls take 17 days to complete a piece of work, how long will 7 women and 11 girls take working together to complete the work? So, here you can see uh, in previous vi videos I have told you. इफ़ देर इज़ अ और अगर यहाँ पर और लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये थ्री विमेन और फाइव गर्ल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे यानी कि या तो ये थ्री विमेन वर्क कर रही होंगी या फिर फाइव गर्ल्स वर्क कर रही होंगी यानी कि अगर ये थ्री विमेन वर्क करती हैं तो सेवनटीन डेज़ में करेंगी या फाइव गर्ल्स वर्क करती है तो सेवनटीन डेज में करेंगी सो so, इनमें से हम किसी भी एक में कन्वर्ट कर लेंगे या तो गर्ल्स को वीमेन में कन्वर्ट कर लेंगे या विमैन्स को गर्ल्स uh, में कन्वर्ट कर लेंगे so, see, uh, so, here, so, women, तो हियर यू कैन सी थ्री वीमैन इज इक्वल टू फाइव गर्ल्स तो हेयर थ्री विमेन इज इक्वल टू फाइव गर्ल्स तो थ्री वीमैन अगर फाइव गर्ल्स के इक्वल हैं तो वन विमैन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री बिकॉज इट विल बी इन डिवीजन हियर ओके थ्री विमैन इज इक्वल टू फाइव गर्ल्स देन वन विमैन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री गर्ल्स ओके वी आर कन्वर्टिंग विमैन इन टू गर्ल्स तो हियर यू कैन सी वन वीमे इज इक्वल टू फाइव अपॉन वन वुमेन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री गर्ल्स ओके एंड सेवन वीमैन सेवन वीमैन किसके इक्वल होंगी वन वीमैन जब फाइव अपॉन थ्री के इक्वल होगी तो सेवन से हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू सेवन इंटू फाइव पॉइंट थ्री ओके वन वीमैन फाइव अपॉन थ्री के इक्वल है तो सेवन किसके इक्वल होंगी तो सेवन से मल्टीप्लाई कर दो फाइव अपॉन थ्री को तो सेवन इंटू फाइव पॉइंट थ्री गर्ल्स इट मीन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव पॉइंट थ्री गर्ल्स ओके क्वेश्चन है इज इफ सेवन विमेन एंड इलेवन गर्ल्स आर वर्किंग टुगेदर यहाँ पे एंड आया यहाँ पे और नहीं यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है यानी यहाँ पे दोनों ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे तो इन दोनों से एक कर रहा होगा या तो विमेन कर रही होंगी या फिर गर्ल्स बट हियर यू कैन सी सेवन सेवन वीमैन एंड इलेवन गर्ल्स टूगेदर आर वर्किंग ओके तो हियर वी कैन सी लेट वर्क विल बी डन इन एक्स्ट डेज लेट वर्क विल बी डन इन एक्स डेज सो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइव जब फाइव गर्ल्स अब भाई हमने गर्ल्स में कन्वर्ट कर लिया इन्हें मतलब विमेन में नहीं ले रहे हैं हम गर्ल्स में ले रहे हैं यहाँ पे तो जब गर्ल्स में कन्वर्ट किया तो देखें पहले अगर फाइव गर्ल्स वर्क कर रही थी तो सेवनटीन डेज में कंप्लीट हो रहा था ओके okay. और जब उसके बाद में कितने लोग वर्क कर रहे हैं यहां पर सेवन वीमैन हैं और इलेवन गर्ल्स हैं सेवन वीमैन प्लस इलेवन गर्ल्स तो सेवन वुमैन को हमने कन्वर्ट किया था देखिए सेवन वुमैन किसके इक्वल थी थर्टी फाइव अपॉन्ट थ्री गर्ल्स के तो यहाँ पे सेवन वुमैन की जगह पे हम रख देंगे थर्टी फाइव अपॉइन्ट थ्री प्लस इलेवन गर्ल्स हैं हमारे पास तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री अपो सिक्सटी एट अपॉन थ्री गर्ल्स ओके जब सिक्सटी एट अपॉन थ्री गर्ल्स हैं तब यहाँ पर हमने मान लिया था कि ये वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक्स की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि गर्ल्स बढ़ेंगी इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेज तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा डिक्रीज होंगे यानी ज़्यादा लोग होंगे तो जो वर्क है वो जल्दी निपट जाएगा जल्दी हो जाएगा तो हियर यू कैन सी बोथ क्वांटिटीज़ आर इन इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का आपको पता है कि इफ एक्स एंड वाई आर इन इन्वर्स वेरिएशन दैन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी फाइव इंटू सेवनटीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी एट थ्री इन टू एक्स ओके हेर यू कैन सी अगेन आई एम टेलिंग यू फाइव इंटू सेवनटीन हेयर आई हैव रिटन फाइव इंटू सेवनटीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को करेंगे और इक्वल में रख देंगे तो फाइव इंटू सेवनटीन दिस एंड सिक्सटी एट अपॉन थ्री इंटू एक्स दिस ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू ट्रांसपोज थ्री तो इट विल बी फाइव इंटू सेवन इंटू थ्री अपॉन सिक्सटी एट तो सेवनटीन वन जावनटीन सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट तो इट विल बी फाइव थ्री जा फिफ्टीन अपॉन फोर फिफ्टीन अपॉन्ट फोर डेज नाउ इन मिक्सड फैक्शन वी कैन राइट इट थ्री होल थ्री अपॉइंट फोर डेज सो अगर सेवन वीमैन और इलेवन गर्ल्स साथ मिलकर वर्क करें इफ दे आर वर्किंग टूगेदर तो वो वर्क को थ्री होल थ्री अपॉइंट फोर डेज में कंप्लीट कर लेंगे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज ए बी सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन टू सिक्स थ्री डेज रिस्पेक्टिवली वर्किंग टूगेदर हाउ मच टाइम वुड दे रिक्वायर टू डू इट इफ द वर्क रुपीज नाइन हंड्रेड सिक्स नाइन हंड्रेड सिक्स रुपीज ओके हाउ शुड दे डिवाइड द मनी तो हि यू कैन सी कि ए जो है वर्क को टू डेज में करता है तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा आई हैव टोल्ड यू वन डे वर्क ऑफ एज वन अपॉइंट टू अगर टू डेज में ए वर्क को कंप्लीट कराए तो इसका वन डे वर्क होगा टू ओके वन डे वर्क ऑफ बी बी वर्क को सिक्स डेज में कराए तो वन डे वर्क ऑफ बी इज वन अपॉइंट सिक्स ओके एंड सी इज वर्किंग सी इज कम्पलीटिंग द वर्क इन थ्री डेज तो वन डे वर्क ऑफ सी इज वन अपॉन थ्री नाउ यू कैन सी वन डे वर्क वर्क ऑफ ए बी एंड सी अगर तीनों का मिला के वर्क देखें वनडे दे का तो क्या करना पड़ेगा हमें तीनों को एड करना होगा तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉइन्ट सिक्स एंड वन अपॉन थ्री तो वोट इज द एल सी एम ऑफ टू सिक्स एंड थ्री दैट इज सिक्स ओके वैन डिवाइड सिक्स बाई टू देन द रिजल्ट थ्री वन जै थ्री सिक्स बाई सिक्स बाई थ्री देन टू टू वन जो टू थ्री वन फोर टू सिक्स अपॉन सिक्स तो इट इज इक्वल टू वन तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई थ्री ऑफ दैम यानी कि उन तीनों ने जो वर्क कंप्लीट करने में जो टाइम लेंगे वो कितना होगा वन डे वो एक दिन में वर्क को कम्प्लीट कर लेंगे नाउ द क्वेश्चन इज की अगर तीनों को एक दिन में वर्क कम्प्लीट करने के बाद नाइन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज अर्निंग हो रही है तीनों की अर्निंग जो है 960 है तो सभी को सेपरेटली सेपरेटली बताना है कि ए बी सी की अर्निंग कितनी कितनी है तो हियर यू कैन सी अर्निंग ऑफ ए क्योंकि वन डे वर्क ऑफ ए कितना है वन पॉइंट टू तो हम जितनी टोटल अर्निंग है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे वन डे वर्क से वन डे वर्क ऑफ ए कितना है वन पॉइंट टू तो नाइन हंड्रेड सिक्सटी को हम वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन विल बी फोर हंड्रेड एट्टी तो अर्निंग uh, uh, ऑफ ए इज़ फोर हंड्रेड एट्टी रुपीज़ इसी तरह से अर्निंग ऑफ बी 960 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन डे वर्क ऑफ बी वर्क ऑफ बी सिक्स तो इट विल बी वन हंड्रेड और जब हम अर्निंग ऑफ सी फाइंड करेंगे तो हमें हंड्रेड सिक्सटी को मल्टीप्लाई करना होगा से, तो वन डे वर्क ऑफ सीट थ्री सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई नाइन हंड्रेड सिक्स थ्री रिजल्ट इज थ्रीड्रेड ट्वेंटी सो अर्निंग ऑफ सी इज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन इन दिस क्वेश्चन कैन सी ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फिफ्टीन डेज बी अब देखिए यहां पे देखिए ए बी सी तीनों मिलके वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं फिफ्टीन डेज में बी अलोन कैन डू इट इन थर्टी डेज बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है थर्टी डेज में एंड सी अलोन कैन डू इट इन फोर्टी डेज और सी इसे फोर्टी डेज में कंप्लीट कर सकता है इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क यानी कि ए अकेला कितने दिनों में इस वर्क को करेगा बी अकेला कितने दिन में कर रहा है थर्टी डेज में सी अकेला फोर्टी डेज में तीनों मिलके फिफ्टीन डेज में तो ए कितने दिनों में इसे अकेला कर सकता है वर्क को तो देखिए यहां पे तीनों का वर्क जो है वन डे का एबीसी का कितना है फिफ्टीन डेज तो वन डे वर्क ऑफ ए बी सी सॉरी ए बी सी का जो तो टोटल डेज ले रहे हैं कितने डेज ले रहे हैं फिफ्टीन डेज तो वन डे वर्क ऑफ ए बी सी इज वन अपॉन फिफ्टीन वी कैन राइट इट ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन फिफ्टीन यानी तीनों का एड करके जो वर्क आ रहा है तीनों साथ वर्क करें तो इन्हें प्लस में बी प्लस टू वन अपॉन को कंप्लीट कर सकता लाइक ऑफ सी इज वन अपॉन फोर्टी बिकॉज सी वर्क को फोर्टी तो डेज like uh, में अकेला कर सकता है ओके okay. तो यू कैन सी तीनों का अगर वर्क लगाएं तो होगा, वन अपॉइंट फिफ्टीन होगा बी का वन वर्क, वन डे डे वर्क वर्क सी का तो हमें वन डे वर्क फाइंड करना है ए का तो ए का वन डे वर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा जो तीनों का वन डे वर्क है जो सभी का वन डे वर्क है वन डे वर्क ऑफ फोल उसमें से माइनस करना होगा वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी तो सभी का वन डे वर्क कितना है वन अपॉइंट फिफ्टीन ठीक है क्योंकि हम यहां वन डे वर्क ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं तो वन डे वर्क ऑफ ऑल इज वन अपॉन फिफ्टीन एंड वी हैव टू माइनस फ्रॉम इट वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी तो बी का वन डे वर्क वन अपॉन थर्टी है सी का वन अपॉन फोर्टी है तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो वॉट इज द एल सी एम ऑफ थर्टी एंड फोर्टी दैट इज वन ट्वेंटी तो इफ यू डिडेंटी बाय थर्टी दैन द रिजल्ट इज फोर एंड इफ वी डिडेंटी बाई फोर्टी देन द रिजल्ट इज थ्री तो इट विल बी फोर प्लस थ्री इट मीन्स सेवन अपॉन वन ट्वेंटी ओके नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेवन अपन वन ट्वेंटी फ्रॉम वन 15 फिफ्टीन तो वट इज द एल्स एम ऑफ फिफ्टीन एंड वन ट्वेंटी दैट इज वन ट्वेंटी 8. तो एट वन जाट एंड इफ वी डिड्वेंटी बाई वन ट्वेंटी देन रिजल्ट इज वन तो सेवन वन जै सेवन तो एट माइनस सेवन इज इक्वल टू वन अपोन वन ट्वेंटी इट मीन्स ये वन डे वर्क ऑफ ए आया वन अपोन वन हंड्रेड ट्वेंटी जो है ये वन डे वर्क ऑफ ए है ये वन डे वर्क ऑफ ए है बट हमें तो ये फाइंड करना था आ, कि ए जो है वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए इज इक्वल टू वन वन डे वर्क ऑफ ए तो वन अपॉन वन डे वर्क ऑफ इज वन अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी तो वन हंड्रेड ट्वेंटी यहां ऊपर चला जाएगा नोमेटर के साथ तो इट विल बी वन हंड्रेड ट्वेंटी तो ए जो है वर्क को वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज में कंप्लीट कर लेगा नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज ए बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वोल इन टेन डेज बी सी वर्किंग टूगेदर कैन डू इट इन फाइव डेज फिफ्टीन डेज सी ए टूगेदर कैन डू इट इन ट्वेल्व डेज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क वर्किंग ऑल टुगेदर ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ईच टू डू द सेम वर्क वर्किंग अलोन तो, तो देखिए यहां पे पेयर से दिया गया है कि अगर ए बी ए और बी मिलकर वर्क करते हैं तो टेन डेज में कंप्लीट कर लेंगे बी और सी मिलकर वर्क करते हैं तो 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे सी और ए मिलकर वर्क करते हैं तो 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन पहला किया गया हमसे कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर वर्क करें यहां पे तो पेयर से कर रहे हैं e, पहले ए बी कर रहा है फिर बी सी फिर सी ए अगर तीनों मिलकर वर्क करें तो वो वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर तीनों अलग अलग वर्क करें ए अलग बी अलग सी अलग तो ये कितने कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे तो देखिए ए और बी मिलकर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं टेन डेज में तो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज वन अपॉइट टेन क्योंकि ए और बी जो है दोनों मिलकर टेन डेज में कर रहे हैं तो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज वन अपॉइट टेन तो इट कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को एड कर सकते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टेन इक्वेशन नंबर वन नाउ बी सी कितने टाइम में कर रहे हैं फिफ्टीन डेज में तो वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी वन अपॉन फिफ्टीन तो इट कैन बी रिटर्न एज बी प्लस सी

तो वन टू और थ्री को हमें ऐड करना होगा साइड वाले आपस में ऐड होंगे और राइट हैंड साइड वाले आपस में ऐड होंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर वन में इधर है लेफ्ट में ए प्लस भी तो ये ए प्लस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया है देन बी प्लस सी सेकेंड में देखिए बी प्लस सी तो बी प्लस सी देन थर्ड में देखिए सी प्लस ए तो सी प्लस ए इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी फर्स्ट इक्वेशन वन अपॉइंट टेन तो इट इज वन अपॉइंट टेन देन वन अपॉन फिफ्टीन वन अपॉइंट फिफ्टीन दैन वन अपॉन ट्वेल्व दिस इज वन अपॉइंट ट्वेल्व सो देखिए यहाँ पे हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए ए ए कितना हो जाएगा टू ए बी बी कितना हो जाएगा टू बी एंड सी सी विल बी टू सी यहां ऐड करेंगे तो वोटी द एलियम ऑफ टेन फिफ्टीन एंड ट्वेल्व दैट इज सिक्सटी एंड इफ वी डिवाइड सिक्सटी बाई टेन देन द रिजल्ट इज सिक्स तो सिक्स वन जा सिक्स एंड इफ वी डिवाइड सिक्सटी बाई 15 देन द रिजल्ट इज फोर तो फोर वन जा फोर एंड इफ वी डिवाइड सिक्सटी बाई ट्व द रिजल्ट इज फाइव तो फाइव वन जा फाइव ओके हियर यू कैन सी वॉट इज कॉमन टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी तो टू इज कॉमन सो वी कैन राइट इट टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अब देखिए यहां पे सिक्स फोर टेन फाइव फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी इफ यू डिवाइड फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी बाई फिफ्टीन दिन द रिजल्टीन या फिफ्टी फिफ्टीन फोर या सिक्सटी फोर तो इट इज वन अपॉन फोर क्लियर तो टू ए प्लस बी प्लस सी हमारा वन अपॉन फोर के इक्वल आ गया तो वी हैव टू ट्रांसपोज टू फ्रॉम हियर तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके होगा जब टू इधर जाएगा तो ये अपॉन में जाएगा डिविजन uh, में जाएगा तो फोर टू जा जाट तो इट विल बी इक्वल टू वन अपोनेट तो हियर यू कैन सी कि वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर वर्किंग देखिए यहां पे तीनों साथ में वर्क कर रहे हैं अब तो वन डे वर्क ऑफ ए बी सी इज वन अपोनेट सो ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन वन अपॉन वन डे वर्क ऑफ ए बी सी तो वन डे वर्क कितना आया था इसका वन अपोनेट तो वी विल राइट हेर वन अपोन वन अपोनेट तो ये एट यहाँ नोमरेटर के साथ चला जाएगा तो इट विल भी एट डेज यानी कि अगर ए बी सी साथ मिलकर वर्क करें तो वो एट डेज में से कंप्लीट कर लेंगे नाव हमें यहाँ पे वनडे वर्क ऑफ ए फाइंड करना है तो वन डे वर्क ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन फोर में से इक्वेशन टू को माइनस करना पड़ेगा वाई देखिए जब हम फोर में से टू को माइनस करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फोर है हमारा ए प्लस बी प्लस सी तो जब हम इसमें से टू को माइनस करेंगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या ए तो यहाँ पे ए का वर्क आ जाएगा वनडे का तो इसलिए हमें फोर में से टू को माइनस करना पड़ेगा तो फोर में हमारे पास यहाँ पे वन अपॉन एट तो वन अपॉन एट में से माइनस करना होगा हमें टू टू कितना हमारा वन अपॉइंट फिफ्टीन तो वन अपॉइन एट में से वन अपॉइंट फिफ्टीन को हम यहाँ पे माइनस करेंगे

सेवन अपोन वन ट्वेंटी हमारा वन डे वर्क आया है ए का ए का वन डे वर्क है ये तो लेकिन हमें फाइन करें नंबर ऑफ डेज जो ए वर्क uh, को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ डेज ले रहा है वो फाइंड करने हैं तो वी हैव टू राइट इट वन अपोन सेवन अपॉन वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी तो यहाँ पे नोमरेटर के साथ चला जाएगा सेवन अपॉन में रह जाएगा तो इट विल बी वन ट्वेंटी अपॉन सेवन तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ आई हैव रिटन वन ट्वेंटी अपॉन सेवन ओके इन मिक्सड फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन इट इज़ सेवनटीन होल वन अपॉन सेवन डेज ओके तो ए जो है वर्क को कंप्लीट करेगा अगर अकेला वर्क करता है इफ इट वर्क अलोन देन इट विल टेक सेवनटीन होल वन अपन सेवन डेज टू कंप्लीट द वर्क नाउ वन डे वर्क ऑफ बी अगर हमें फाइंड करना है तो अगेन आई एम टेलिंग यू अगर वन डे वर्क ऑफ बी हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा देखिए फिर से इक्वेशन में हमें फोर में से ही फोर में से माइनस करना होगा थ्री को क्यों क्योंकि देखिए अगर फोर में से थ्री माइनस करेंगे इक्वेशन फोर में से हम थ्री को माइनस करेंगे तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या हमारे पास बी तो वन डे को बी आ जाएगा यहाँ पे तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा तो तो इक्वेशन फोर जो थी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी किसकेल था वन अपॉन एट और बी प्लस सॉरी ए प्लस सी किसकेल था वन अपॉन ट्वेल्व तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन अपॉन ट्वेल्व फ्रॉम वन अपन एट वट इज द एल सी एम ऑफ ट्वेल्व एंड एट दैट इज ट्वेंटी फोर इफ वी डिवाइड ट्वेंटी फोर बाई एट दैन द रिजल्ट इज थ्री तो थ्री वन the 3. थ्री एंड इफ वी डिवाइड ट्वेंटी फोर बाई ट्व द रिजल्ट इज टू टू वन जै टू इफ यू सब्टेक्ट टू फ्रॉम थ्री दैन वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर इट मीन्स की डे वर्क ऑफ बी इज वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर ये वर्क है वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर बी का तो बी uh, कितना टाइम लेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी तो हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा वन अपॉइंटी फोर का दैट इज ट्वेंटी फोर डेज ओके नाउ वन डे वर्क ऑफ सी तो सी का डे वर्क फाइंड करने के लिए वी हैव टू सब्टेक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फोर यानी फोर में से फर्स्ट को माइनस करना होगा तो फर्स्ट हमारे पास ए प्लस बी था और फोर्थ हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है तो ए बी कैंसिल हो जाएंगे सी बचेगा तो डे वर्क ऑफ सी आ जाएगा यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी किसके कोल है वन पॉइंट एट के और ए प्लस बी किसके कोल है वन पॉइंट टेन के तो वो इज द एल्सियम ऑफ एट एंड टेन दैट इज फोर्टी ओके और इफ इफी डिवाइड फोर्टी बाई एट द रिजल्ट इज फाइव तो फाइव वनजा फाइव इफ वी डिडोर्टी बाई टेन रिजल्ट इज फोर तो फोर वन जाफ यू सब्टोर फ्रॉम फाइव एन द रिजल्ट इज तो इट इज वन अपॉन फोर्टी तो वन डे वर्क ऑफ सी इज वन अपॉन फोर्टी तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सी विल बी रेसी प्रोकल ऑफ डे वर्क ऑफ सी तो वन डे वर्क ऑफ सीज वन अपॉन फोर्टी तो इसका रेसी प्रोकल वन अपॉइंट फोर्टी का क्या होगा फोर्टी तो सी उस वर्क को कंप्लीट करने में फोर्टी डेज लेगा नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज पाइप कैन फिल अ टेक इज फिल्ड इन सिक्स इफ दुल हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्पीट तो देखिये यहां पर एक पाइप जो है फिल कर रहा है टैंक को एक पाइप उसे खाली कर रहा है ठीक है एक पाइप से टैंक फुल हो रहा है मतलब पूरा का पूरा भरा जा रहा है और एक पाइप से उसे खाली किया जा रहा है ठीक है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने मान लिया जो अभी हमें यहां पे फाइंड करना है कि उसे खाली करने में जो है जो वेस्ट पाइप है वो कितना टाइम लेगा तो लेट वेस्ट पाइप टेक्स एक्स आर्स। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो वेस्ट पाइप है वो एक्स आरस लेगा उसका मतलब उस पाइप उस टैंक को खाली करने में ओके तो हियर यू कैन सी वन आर वर्क ऑफ फिलिंग पाइप जो पानी भर रहा है वो उसका वन आवर वर्क कितना होगा तो क्योंकि 12 में आ, उसे भर रहा है टैंक को तो जो उसका फिलिंग जो फिलिंग पाइप है उसका वन अपॉन ट्वेल्व एंड वन आवर वर्क ऑफ वेस्ट पाइप तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स आर्स में वो कंप्लीट कर रहा है मतलब पूरा खाली कर रहा है उसे एक्स आर्स में तो वन आर वर्क कितना होगा इसका वन अपॉइन एक्स होगा वो भी नेगेटिव माइनस में क्यों क्योंकि वो भर नहीं रहा है वो खाली कर रहा है उसे तो हियर वी विल राइट माइनस वन अपॉन एक्स ओके और वन आर वर्क ऑफ बोथ पाइप्स जो हमें गिवन है वो है वन अपॉइंट सिक्सटीन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर वी कैन सी कि दोनों को ऐड करके जो दोनों पाइप जो वर्क कर रहे हैं उसके इक्वल आना चाहिए तो वन अपॉइंट ट्वेल्व प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट सिक्सटीन तो प्लस माइनस विल बी माइनस सॉरी यहां पे हमें ट्रांसपोज करना होगा वन अपॉन सिक्सटीन को इधर लाएंगे ट्रांसपोज करके तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस में आ गया इधर वन अपॉन सिक्सटीन और ये माइनस वन अपॉन एक्स है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा वन अपॉन एक्स ओके तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेल्व माइनस वन सिक्सटीन तो वोट इज द एलसीएम ऑफ ट्वेल्वीन दैट इज फोर्टी एट इफ वी डिवाइड फोर्टी एट बाई ट्वेल्व द रिजल्ट इज फोर तो फोर वन जा फोर एंड इफ वी डिवाइड फोर्टी एट बाई द रिजल्ट इज थ्री तो थ्री वन थ्री ओके नाउ इफ यू सब्टेक्ट थ्री फ्रॉम फोर वी गेट वन एज रिमाइंडर अपॉन फोर्टी एट तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी एट तो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज फोर्टी एट तो सो वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन फोर्टी एट आवर्स जो वेस्ट पाइप है वो टैंक को खाली कर सकता है फोर्टी एट आवर्स में सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम कैन आस्क मी थैंक यू वेरी मच